ताजमहल पर निबंध हिंदी भाषा में। ताजमहल ऐसे इन हिंदी। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल आज संपूर्ण विश्व का ताज बन गया है। यह भारतीय और विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है। विश्व के प्रत्येक कोने से प्रतिदिन लोग ताजमहल देखने भारत आते हैं। ताजमहल देशी विदेशी दोनों पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था। इसको बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था, जो 1653 में खत्म हुआ। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था, तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी भी ना बन पाए। आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी, औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा ताजमहल की नकल से बनाया गया था। उसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या बिजली गिरे, ये बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए उस समय लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसे हम अब प्रेम के प्रतीक के रूप में पहचानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में उस समय के 32 करोड़ रुपए का मूल्य आज के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू सब्सक्राइब।